ऑन है, तो बस अब चल रहा है अभी एडिटिंग का काम, और एडिटिंग का काम हो के वीडियो हो जाएगी अपलोड। तो ब्रेकफास्ट आ चुका है, ये है अपना मेथी की परांठी और साथ में हरी चटनी, तो खाते हैं, बड़ी टेस्टी होती है खाने में। और मिल्क भी आ चुका है और साथ में लेते हैं मिल्क। तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, सब हो चुका है, और आज चल रहे हैं आपको दिखाने के लिए, वो है लाल किला। तो चलते हैं लाल किला, पहले अपने फ्रेंड को पिक करना है और फिर हम चलेंगे सीधा लाल किला। ये हमारे एरिया से सीधा जो फ्लाई ओवर है, सीधा जो है हमारे को जनकपुरी लेके चले जाता है। तो मुझे इस फ्लाई ओवर की सबसे खास बात यही लगती है कि सबसे बेस्ट, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, और हमारे घर से सीधा वहाँ पे पहुँचा देता है। तो अभी जो है मेरे फ्रेंड को मुझे यहाँ से जनकपुरी से पिक करना है, उसके बाद जो है हम जाएंगे चांदनी चौक से। पहले जो है जब चांदनी चौक जो है मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से जाएंगे, और उससे पहले जो है हम उससे पहले कुछ स्टेशन पहले अपनी गाड़ी लगा के और वहीं से मेट्रो लेंगे। तो कोई बात नहीं, आपसे जो है सारी जर्नी शेयर करूंगा मैं, कैसे कैसे हम जाते क्या है। तो मिलते हैं फिर लाल किला में, क्योंकि पहले उतरेंगे हम चांदनी चौक और वहां से जो है लाल किला साथ में ही है, तो वहां से जाएंगे लाल किला। तो कर रहे हैं अभी अपने फ्रेंड का वेट यहाँ पे गाड़ी के अंदर, रिलैक्स कर रहे हैं जब तक वो भी आएगा। वो मेट्रो से आ रहा है, और फिर जैसे ही वो आएगा और फिर यहाँ से हम चलेंगे। A few moments later. तो आ चुके हैं हमारे मित्र, आ चुके हैं, और अब जो है इनको लेके चलते हैं हम अपना लाल किला, और पकड़ेंगे जो बीच में से मेट्रो, उससे पहले जो है मेट्रो चांदनी चौक जो है हम उतरेंगे, वहाँ मेट्रो से जाएंगे, और उससे पहले जो है दो तीन स्टेशन पहले जो है मेट्रो पकड़ लेंगे, और फिर पहुँचेंगे हम सीधा लाल किला। और कई गाड़ी लगानी है सेफ जगह पे, तो हमको ढंग से लगानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा चोरी डकैती बढ़ गई है, तो यार हमारी बसंती का भी ख्याल रखना पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं। तो अभी रास्ते में चलते चलते जब हम कहना पहुंचे बॉर्डर पे, ये बाईपास के इधर, तो ये आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये है डंप यार्ड। ये डंप यार्ड जो है ये 10 से 12 जो फुटबॉल के ग्राउंड होते हैं, इतना बड़ा है, मतलब बहुत किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। और यहाँ पे जो डंप यार्ड, मतलब जितना भी आपका घर का कूड़ा कचरा जो होता है वो यहीं पे आता है। तो आप देख सकते हो पूरा एक तरह से पहाड़ की तरह ये बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इवन जो है ऊपर लोगों ने जो यहाँ काम करते हैं घर तक बना रखे हैं इसके ऊपर, जिसपे वो रहते भी और यहाँ काम भी करते हैं। तो जो लोग दिल्ली से बाहर के हैं उन लोगों को ये नहीं पता लगता, वो सोचते हैं पता नहीं ये पहाड़ है क्या है। तो इसलिए जो है मैंने आपसे ये शेयर किया। तो गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है, और अब बस तैयारी हो रही है, अपना बैग वैग रेडी कर रहे हैं, ताकि लाल किला पहुंचते ही जो है पूरा शूट वूट कर सकें, और रास्ते की भी जो जर्नी आपके साथ शेयर कर सकें। तो मेट्रो की जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है, और अब मेट्रो में जाते हुए आगे जो है मेट्रो हम पकड़ेंगे। तो अभी पहुँच चुके हैं हम जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ से हम पहुँचेंगे चांदनी चौक, और चांदनी चौक से हम जाएंगे लाल किला, क्योंकि लाल किला जो है बिल्कुल साथ में है चांदनी चौक। तो चलो चलते हैं मेट्रो में। तो मेट्रो के अंदर हम बैठ चुके हैं, तो चांदनी चौक हम पहुंच चुके हैं, और हम निकलेंगे यहां से लाल किला, और मिलते हैं लाल किला पर। आज शूटिंग होगी चांदनी चौक टू चाइना पार्ट टू, जिसमें कि हम लोग रहने वाले हैं हीरो और विलन। देखना जरूर जाना और सब्सक्राइब करना, मिलते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो बस लाल किला के पास हम पहुंचने ही वाले हैं, और देख सकते हैं आप सामने थोड़ी सी दूरी पे रह गए, और जल्दी से पहुंचने वाला है लाल किला। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लाल किला, और लाल किला आने के लिए आपको सबसे पहले चांदनी चौक से होते हुए आना पड़ता है। तो आपको चांदनी चौक भी दिखाता हूँ सामने। तो ये देख सकते हैं आप, ये चांदनी चौक की रोड है, और ये है हमारा सामने लाल किला, जहाँ पे अब जल्दी से पहुंचने वाले हैं, और दिखाते हैं आपको लाल किला के नज़ारे। और अब यहाँ पे फैलाएंगे हम झंडा, वो भी आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे बढ़िया, ये हमने अभी ध्यान दिया, यहाँ पे स्कैन करके भी टिकट बुक कर सकते हो। स्कैन कर टिकट बुक करते हैं फटाफट से। तो ये रेड फोर्ट की आप यहाँ के जो है खुद ही ऑनलाइन मोबाइल से भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो फाइनली हमने टिकट बुक कर दी है, और अब जा रहे हैं हम अंदर। फाइनली हम अंदर एंटर हो रहे हैं लाल किला के, और आप देख सकते हैं बाहर से कितना सुंदर लगता है लाल किला, और अभी अंदर के भी जो है आपको व्यूज़ दिखाएंगे, नज़ारे दिखाएंगे, और बहुत भीड़ है, बहुत लोग जा रहे हैं,
एक अलग ही मजा आ रहा है। और अंदर चल के देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए तो बहुत टाइम हो गया पर कभी भी अंदर से एक्सप्लोर नहीं किया। चलो बस चल ही रहे अंदर। तो बस हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और बस लाल किले के अंदर जो है हम एंटर करने वाले हैं। थोड़ा सा रास्ता लंबा है, पैदल चलना पड़ता है यहाँ पे, बट जल्दी ही बस पहुँच जाएंगे और फिर आपको दिखाना शुरू करेंगे लाल किले के सारे नज़ारे। और बाकी आगे अभी यहाँ जैसे जैसे व्यू आता है आपको दिखाते जाएंगे। आप देख सकते हो ये एंट्री कर रहे हैं हम, और यहाँ पे जो है सारे जो है इस तरीके से लाल किला में एंटर किया जाता है। ये सारे लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और हम भी अंदर की साइड एंटर हो रहे हैं। भूख और चारों तरफ जो है कोशिश कर लिया कुछ खाने को मिल जाए, कहीं पे भी कुछ भी मिला नहीं और टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ। फाइनली जो है ले लिए कोक और चिप्स और किसी को खाते हुए अंदर निकलेंगे, क्योंकि अंदर जो है थोड़ी देर में बंद होने वाला है, तो ऐसा ना हो जाए कि हमारा पोपट हो जाए। तो फाइनली आप देख सकते हैं आ चुके हैं लाल किले के सामने, और यहीं पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो भी प्रधानमंत्री होता है वो यहाँ आगे 15 अगस्त को फहराता है झंडा, हमारा देश का तिरंगा। तो देख सकते हैं एक अलग ही नज़ारा यहाँ का, और इस टाइम है लाल किला के हम सामने। तो ये है अपना लाल किला की एंट्री जो आप देख सकते हैं, और यहाँ से हम एंटर करेंगे और यहीं से जो है सारे लोग एंटर करते हैं। तो चलो चलते हैं लाल किला के अंदर। तो ये स्टार्टिंग में ही जो है गेट पर तोप लगी हुई है, और जो बंदा कहना नहीं मानता उसको तोप के आगे बैठा दिया जाता है। और शर्मा जी ने हमारे बड़ी मस्त चीज नोटिस की यहाँ पे, क्या है ये देखो, एक कुंडी देखो ऐसी है कि हिले ना, और गेट इतना सॉलिड है कि बंदा हिला भी नहीं सकता। ये देखो कितना भारी गेट है यहाँ, मतलब ये भाई कुंडी देखो आप, ये देखो कितनी बड़ी कुंडी है। फ्रंट से भी दिखाओ गेट एक बार इनको, फ्रंट से भी जो है ना गेट प्रॉपर सॉलिड गेट है। ये देखो आप, देखो कितना हैवी गेट है, बंदा हिलाना चाहे तो हिला भी नहीं सकता। तो अब ये है सामने लाल किले की एंट्री, जहाँ पे हमारे देश का जो है एक फ्लैग भी है, फ्लैग भी लगा हुआ है। और ये सामने जो है पूरी मार्केट लगती है, जो कि बाजार जो है लाल किले का, वो देख सकते हैं सामने जो है पूरी लाल किले की मार्केट है। तो ये है लाल किला के अंदर जो है मार्केट, जहाँ पे जो है सारा जो है सामान वगैरह जो है मिलता है वगैरह, जहाँ पे आप देख सकते हैं नक्काशी वगैरह का सामान, और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे जो पहनने के लिए गर्ल्स के लिए, लेडीज़ वगैरह के लिए जो है बहुत सारी सुंदर कपड़ों की दुकान, बहुत ही जो है बढ़िया बढ़िया शॉप्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे लोग जो है शॉपिंग वगैरह करते हैं। और ऊपर भी दिखाता हूँ नक्काशी वगैरह का जो यहाँ पे काम है वो बहुत ही सुंदर है, और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो इस टाइम हम जो है लाल किले के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये सामने जो है अंदर लाल किले के गार्डन वाला बना हुआ है, और ये सामने देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने के अंदर। तो मैं आपको अंदर के पूरे सारे नज़ारे दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हैं जो है अंदर से भी बहुत सुंदर है दिखने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी यहाँ से देखने में बहुत ही बढ़िया और सुंदर लग रही है। और यार पता है, मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि यार पहले के राजा महाराजा कितना मौज मस्ती करते थे, कितने मतलब क्या रहते थे यार, मतलब क्या रॉयल जिंदगी साला, मतलब आज का अमीर से अमीर बंदा क्या जिएगा ऐसी लाइफ। मतलब एक बार जगह देखो आप, गार्डन प्रॉपर सब कुछ एकदम अच्छे वाला एंजॉय करते थे। तो आप देख सकते हैं ये सामने अंदर से जो है लाल किला, जो अंदर की साइड से जो है ये इस तरीके से दिखता है। ये अंदर इस तरीके के जैसे चाहे महल को, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बट ये सामने ऐसे है। और यहाँ पे भी सामने देख सकते हैं ये इस तरीके से बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप सामने। तो हो रहा है घूमना फिरना, मस्ती मार रहे हैं। तो ये आप अंदर देख सकते हैं लाल किला के अंदर की साइड में जाके, ये है जहाँ पे आई थिंक राजा महाराजा जो भी होते थे वो बैठते थे और अपनी सुनवाई वगैरह करते थे और अपने फैसले सुनाते थे। तो ये देख सकते हैं ये पूरा ऐसे बैठने वगैरह की भी सारी, मतलब ये प्रॉपर इस हिसाब से बना हुआ है कि जैसे मूवीज़ वगैरह में भी हम देखते हैं तो उसी तरह का लग रहा है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट फिर भी गेस्ट जो कर सकते हैं और लग भी ऐसा ही रहा है कि जो मूवीज़ में देखा है कि यहीं पे ऐसे बैठ के वो अपने फैसले सुनाया करते थे।
तो फाइनली हमें पता लग चुका है, इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर ली है, और ये है बादशाह के खास महल। ये महल थे जिसके अंदर जो है बादशाह वगैरह रहते थे और अपना पर्सनल ये महल जो है यूज़ करते थे खाना वाना खाने के लिए, सोने के लिए। तो ये मेनली एक्चुअली लाल किले की जो जगह है जहाँ पे वो अपना रहने और खाने पीने वाला हर चीज़ के लिए, मेहमानों को मिलने के लिए ये सब जगह जो है यूज़ करते थे। ये उनकी प्रॉपर्टी जेल है, मतलब एक बार पास आओ आप यहाँ भी तरह, ये शायद यहाँ पे नहीं बोलते, वो पहले बोलते थे कारागृह है। हाँ। तो मेरे ख्याल से वही लग रही है, बाकी एंट्री तो बंद है, हो सकता है ये वही हो, मेरे ख्याल से वही रहा है। तो ये आप अंदर से देख सकते हैं जो है कैसे अंदर से कितना सुंदर है, इस पर जो नक्काशी कर रखी है वो कितनी अच्छी करी हुई है। अभी आई थिंक इसकी मेंटेनेंस वाला जो है प्रॉपर तरीके से की नहीं जाती, अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस वाला किया जाए तो जैसे हमारा आगरा के अंदर ताजमहल चमकता है वैसे ये भी चमकेगा। तो ये है बादशाह का स्विमिंग पूल, जिसे कहते हैं स्नान गृह भी, जहाँ पे बादशाह आते थे और अपनी स्विमिंग करते थे, नहाया करते थे। तो देखिए कितना बड़ा जो है आज की रेट में आपको मिल सकता है ऐसा स्विमिंग पूल जो कि बादशाह के लिए हुआ करता था। तो फाइनली लाल किला हमने आपको पूरा दिखा दिया, हर तरफ अंदर के नज़ारे दिखाए अब आपको, और अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म, क्योंकि अब हम जा रहे हैं लाल किला से बाहर। पर कहानी ख़त्म यहीं नहीं हुई, इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे चांदनी चौक, जो कि बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ पे खाएंगे पिएंगे और मौका मिला तो थोड़ी सी करेंगे शॉपिंग। तो यहीं करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अगर आप न्यू है इस चैनल पे, तो मेरे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय, गुड नाइट, बाय। तो व्लॉग ख़त्म करते करते सोचा कि आपको बाहर निकलते निकलते रात का जो नज़ारा है वो एक अलग ही नज़ारा है, लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी लग रही है, एक अलग ही लाल किला दिख रहा है, तो सोचा जाते जाते आपको ये नज़ारा भी दिखा दें।